यार मेरा मानना है कि एक आदमी के सिर्फ दो फाइनेंशियल स्टेटस हो सकते हैं। आदमी या फिर अमीर हो सकता है या गरीब हो सकता है। इसके बीच का जो हिस्सा है मिडिल क्लास, एक्चुअली ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हमारे लाइफ में। क्योंकि मिडिल क्लास हम किसे कहते हैं? जिसके पास खाने के लिए खाद्य हो, सर पे छत हो और पहनने के लिए कपड़ा हो। और हम गरीब किसे बोलते हैं? जिसके पास खाने के लिए नहीं हो। खाने के लिए जिसके पास खाद्य नहीं हो उसको हम गरीब नहीं बोलते, उसको हम भिखारी बोलते हैं। तो गरीब हम उससे बोलेंगे, जो मिडिल क्लास हम बोलते हैं क्योंकि ये वो बहुत फैंसी लगेगा, ये गरीब है। हम अगर किसी को बोलेंगे ये गरीब है तो थोड़ा अजीब सा लगता है, सुनने में दिक्कत आती है। इसलिए हम उसको एक फैंसी वर्ड दिए हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, ये मिडिल क्लास है। हम तो जो चीज़ चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, जिसको जो डिजायर है हमारी, हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं और हमारे पास नहीं होता वो, तो हम अमीर कैसे हुए, मिडिल क्लास कैसे हुए? मिडिल क्लास नहीं है हमारे पास। एक जीने के लिए हमारे पास खाद्य, वस्त्र, वासगृह, ये तीनों चीज़ अवेलेबल है। लेकिन हमारे पास हम जो चीज़ एक्चुअली आज ए ह्यूमन हम चाहते हैं वो चीज़ हमारे पास नहीं आती। हमारे जो बर्निंग डिजायर होता है, हम वो करना चाहते हैं, इस गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इस घर खरीदना चाहते हैं, एक्चुअली वो हमारे पास नहीं होता। तो हम अल्टीमेटली गरीब हुए। मिडिल क्लास वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है।